आदरणीय कमल कांत जी की सभा में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसमें मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे और देश की जो आबादी तो काफ़ी थी, तो आज भी जो राजीव जी के इतने सारे फॉलोवर्स आए हैं तो उनको देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि यही आगे विश्व गुरु के आगे रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे देश को। और मुझे तो बड़ा सकारात्मक नज़र आता है कि अगर इतने लोग जाग रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये ज्वाला हर तरफ फैलेगी और जो देश है जो महामारी और इसको के निगेटिविटी में फंसा हुआ था उसे बाहर तेजी से निकलेगा और भारत ही पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा आगे। ये पक्का मुझे नहीं होगी, तो इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि इस काम में 5-10 साल ही लेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। बस आप लोगों को शुरुआत करनी है और उसमें बड़े अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा लंबा समय उनके साथ रहने को मिला, बड़ा अच्छा लगता था। मेरे भैया उनके कैंप्स में जाते थे, दार्जिलिंग में गए और जगह जगह गए उनके कैंप्स में, मेरे बड़े भैया जो हैं वो, तो वो भी बातें चर्चा करते रहते और मेरे साथ बड़ी चर्चा हुई विभिन्न बीमारियों के बारे में भी, विभिन्न भारत की जो जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके बारे में भी बात हुई, तो बड़ी डिटेल में चर्चा हुई। तो आज का जो विषय है कि गाय माता का जो महत्व है और कैंसर से हमें कैसे बचना है, कैंसर ऊपर और भी अनेक बीमारियाँ हैं जिनसे हमें कैसे बचना है। तो इसमें जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि में पेड़ पौधे हैं जिनकी 4 कलाएँ हैं, जिनमें की सांस लेने की भी शक्ति है, जिनमें प्रजनन की शक्ति है, जिनका भोजन भी जिनको चाहिए। फिर जानवर हैं सृष्टि में, उनकी भी 8 कलाएँ हैं जो चल फिर भी सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मानव जाति में 12 कलाएँ हैं। तो भगवान का जो बगीचा है जिसमें तीनों तरह के लोग हैं, मानव जाति भी है, प्राणी भी है दूसरे, और फिर वनस्पतियाँ भी हैं, इस भगवान के बगीचे की रखवाली करके सबके साथ मिलकर अगर हम साथ रहते हैं फिर तो हमें ना कैंसर हो सकता ना कोई बीमारी हो सकती। 100 वर्ष तक 125 वर्ष तक हम निरोगी रहेंगे। मेरे पापा 90 वर्ष के हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते, पूरी तरह से निरोगी हैं और डेली योग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बड़ी प्राकृतिक जीवन शैली है। इसी तरह से जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएगा उसे किसी भी पैथी की जरूरत नहीं है, ना तो एलोपैथी की जरूरत है, ना इलेक्ट्रोपैथी की जरूरत है, ना किसी पैथी की जरूरत है, किसी भी पैथी की आवश्यकता नहीं है। अपनी जीवन शैली में, जैसे कि राजीव दीक्षित जी कहते थे, भाई राजीव दीक्षित जी, तो अगर जीवन शैली को हम सुधार लें, हम जीवन जीने का तरीका सीख लें, तो किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा हमें, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे महापुरुषों ने जीवन जिया, जैसे आज भी महापुरुष जीवन जी रहे हैं। कई बार मेरे पास आते हैं आसपास के कई जो नेता लोग हैं, तो वो लोग मेरे पास आते हैं कि रोड साहब देखो ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं ठीक होती, बड़ा बिजी जीवन शैली रहती है, देखिए बड़ा भार है, मैं MLA हूँ यहाँ का, तो मैं बड़ा बिजी रहता हूँ। तो उसमें मैं कहता हूँ देखो जी, मोदी जी भी देश को संभाल रहे हैं, मोदी जी भी काफ़ी समय लगाते हैं लेकिन स्वस्थ रहते हैं, तो मर्यादाओं में रह के हम जीवन का वो करें, अगर मर्यादाओं में रह के हम अगर काम करेंगे, प्रकृति के जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार पालन करेंगे, हमें बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने तो जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई है और मेरे परिवार की जो प्राकृतिक जीवन शैली है उससे हम लोगों ने लाभ कमाया है। ये देखिए मेरी गुड़िया बड़ी होगी, सो में बड़ी होगी, यह हमारा परिवार है, ये बेटी है, सो में 14 वर्ष की हो गई, इसे भगवद गीता कंठस्थ है। केवल प्राकृतिक जीवन शैली के आधार पर जो सरल जीवन है इसका, पूरी भगवद गीता कंठस्थ है इसे, और पढ़ाई में अव्वल नंबर रहती है, IAS की तैयारी कर रही है बेटी। जो मेरा भतीजा है 2 साल बड़ा मेरे बेटे से, उसका IAS में 29th रैंक आया, और बेटे का एम्स में सिलेक्शन हुआ, इसने MBBS कर लिया, अब MDA की तैयारी कर रहा है। तो जीवन शैली प्राकृतिक होने से सब कुछ बड़ा सरलता से मिल जाता है। मेरी 51 साल की उम्र हो गई तो मेरी जो रनिंग स्पीड है, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ। 15 वर्षों से मैं प्राकृतिक जीवन शैली की बात कर रहा हूँ कि मैं 15 वर्षों से जितनी मर्जी गर्मी हो मैंने कभी भी पंखा नहीं चलाया, जो मर्जी गर्मी हो मैं मच्छरदानी में सोता हूँ। 15 साल हो गए, बार पापा 50 वर्ष से मच्छरदानी में सोते हैं, मैं भी मच्छरदानी में सोता हूँ। एलोपैथी डॉक्टर है तो ऐसा नहीं है कि हम कि विदेशी मानसिकता से ये घिरे रहेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना पड़ेगा हमें। अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो बीमारी छू नहीं सकती हमें और हम निरोगी रहेंगे। 15 साल पहले हम लोग आटा चक्की लाए थे घर में, आटा चक्की घर पे ही है, तो आटा चक्की से पीसा आटा खाते हैं, यूज़ करते हैं। जो आयुर्वेद में तो नियम बताया है कि डेली का आटा डेली पीसना चाहिए, उसे वर्जिश भी होती है
और उसका ओज खत्म नहीं होता, उसकी पुंसकता खत्म नहीं होती, पोटेंसी उसकी कम नहीं होती। तो ऐसा ही अगर कम से कम हम 3-4-5 दिन का ही अगर पुराना आटा यूज कर लें, उससे ज्यादा पुराना ना करें, तब भी अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो एसी है, जो एसी लगाए जाते हैं, ये सब बड़ी बीमारी का कारण है। जो फ्रिज है, फ्रिज का पानी पीते हैं कि ठंडा पानी पड़ा, ठंडक मिल गई, ठंडा क्या हो तो सब सारा जहर बन जाता है। जो हमारी त्वचा का तापमान है, इसे गर्म या इसे ठंडा कुछ ज्यादा लेंगे, तो वो हमारा बस जीभ का स्वाद है, वही बीमारी का कारण है। उसी से हमारी सेल्स जो है डेड सेल्स बनने लगती हैं, तभी मोटापा होता है, तभी कब्ज की बीमारी होती है, हमारा जमीर मरने लग जाता है। जब प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तब हमारा जमीर, हमारी चेतनता जागृत नहीं रहती। हमारी चेतनता तो तभी जागृत रहेगी जब हम प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति की रजामंदी में रहेगा। भोजन को प्रसाद के रूप में लें, अन्न समझ के। ये मेरी गुड़िया है सौम्या, तो ये जो सौम्या है, तो ये जब ये जब से पैदा हुई है 5वें दिन आती है, जब ये 1 दिन की थी, 1 महीने की, 1 साल की, 5 साल की, 11 साल की, रोज 5 दिन आती है। तो जब ये 2.5 साल की थी, ये देखिए जब ये 2.5 साल की थी तो इसने योग करना शुरू कर दिया, और 3 साल की अवस्था में काफ़ी योग में काफ़ी वो आगे निकल गई, और 5 से 6-1 घंटा डेली योग करना शुरू कर दिया, और 3 साल की अवस्था में 3 किलोमीटर की सैर शुरू कर दी प्रकृति के उसमें गोद में। तो तब से लेकर 11 साल से योग करते हैं, 6.5 साल की उम्र में इसने एकादशी के और नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए। तो इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये जो चाहे वो कर सकती है। तो मैं इन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर बड़ा सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है, हर किसी में पोटेंशियल छुपा हुआ है। उसको उभार तब सकते हैं जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन की इच्छा शक्ति दृढ़ हो, हमें अपनी संस्कृति में विश्वास हो, हमें अपने हमने अपनी जो संस्कृति की विरासत मिली है उसको हम प्रतीक मात्र ना माने। मैंने जो 2 महीने पहले की बात है, 1.5-2 महीने पहले मैंने गाय का मूत्र लिया, गाय का गोबर लेके दिखाया, खा के दिखाया, गोपाष्टमी के पर्व पे, गोपाष्टमी के पर्व पे मैंने कहा मेरी मम्मी को एकादशी का व्रत है। हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, जो हमारा परिवार है ट्रेडिशनल परिवार है, 9 भाई बहन है हम लोग, तो 9 की 9 डिलीवरी, मम्मी की 9वीं डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। मेरी मम्मी एकादशी के व्रत पे गोबर लेती थी, गोबर का उपयोग करती थी, हम लोग भी गोबर का उपयोग करने लगे। जब ये बात मैंने मीडिया के सामने बोली तो बड़ा ही ज्यादा अपवाद हो गया शुरू की, कौन डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे हो सकता है, बताइए इस चीज का डॉक्टर होने से क्या मतलब है, क्या एक डॉक्टर इंसान नहीं हो सकता। तो कई लोगों के कमेंट आए कि तुम साधु संत हो या डॉक्टर हो, मेरे लिए दोनों अलग होना जरूरी है। बताओ साधु संत बनने के लिए हमें भगवा कपड़े ही पहनने पड़ेंगे क्या, ये जरूरी है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भारत देश है, भारत देश में मैं भारत का बुद्धिजीवी नागरिक हूँ, तो उसके साथ अगर डॉक्टर हूँ तो क्या हो गया। डॉक्टर एक अलग से पेशा हो सकता है, एक काम हो सकता है, एक सेवा का एक विषय हो सकता है, लेकिन मैं अपने अपने भारत की संस्कृति को तो नहीं छोड़ सकता। तो उसमें मैंने ये देखा था, उसमें बड़ा ही बवाल हुआ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है जगदम्बा बेबी केयर नाम से है, आप लोग देखना जब भी समय मिले देखना। तो मैंने उसमें बताया कि जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर में क्या क्या लाभ होते हैं, ये जो रेडिएशन निकलता है उससे, कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट से, ये गाय के गोबर की बड़ी टिप है, छोटी सी टिप है गाय के गोबर से बनी है, जिसको पर्स में रखते हैं तो लाभ मिलेगा। देखिए पहले तो गाय के गोबर से लीक करें, घर को भी लीक करें सारा, ये देखिए ये तो हमें बचाता है रेडिएशन से, पुंसकता को हमारी बचाता है, नहीं तो नपुंसकता बढ़ती जा रही है। जितने भी जब मैंने ऐसा बोला तो बड़ा बवाल मचा, फिर मैंने बड़े सारे स्पष्टीकरण भी दिए, और मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर का यूट्यूब चैनल है, मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अगर मैं एंटी डॉक्टर हूँ तो मैं ये नहीं कि मैं भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं बोलूंगा। फिर मैंने शम के बारे में बताया, जो कि मैं तो बचपन से ही शम बजाता हूँ, सुबह शाम देर शम बजाता हूँ, और जो शम बजाएगा उसे ब्रोंकाइटिस हो नहीं सकती कभी भी, जो शम बजाएगा शम की जो आवाज जाती है वो सोलिड ऑब्जेक्ट में से भी पार होती जाती है, 1.5 किलोमीटर तक आवाज जाती है, जो सोलिड ऑब्जेक्ट में पार करते हैं वो शम की आवाज है केवल। फिर मैंने बताया कि जो ध्वजा लगाते हैं, खाली ध्वजा को प्रतीक मात्र ना समझिए, कपड़े का टुकड़ा है ध्वजा, ध्वजा लगाएंगे तो डिप्रेशन हो नहीं सकता किसी को भी। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि डिप्रेशन के 350 मिलियन पेशेंट है, 350 मिलियन लोगों को डिप्रेशन है, और कोई भी दवाई नहीं है दुनिया में डिप्रेशन की, क्योंकि दवाई देती डिप्रेशन ठीक हो गई। तो मन की चेतना का स्तर है, जड़ता जड़ता है, जड़ता अगर हम
जमीन को हमने मार लेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे, तभी हम बीमारी का शिकार होंगे। अगर हमारा जमीन जिंदा है, चेतना जागृत है, तो बीमारी हो। अगर ध्वजा लगाएंगे धरती छत के ऊपर तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। हमारे देश के शहीदों ने तो जान दे दी उसके ऊपर ध्वजा के ऊपर, और लोग ध्वजा के महत्व नहीं समझते। हर घर में ध्वजा होनी चाहिए, चाहे हमारा कार्यक्षेत्र हो, चाहे हमारा घर हो, रेजिडेंस हो, बिल्डिंग हो, चाहे गाड़ी भी हो, ध्वजा लगाएंगे वो पुरुषार्थ की प्रेरणा देती है ध्वजा भी। तो ये राजीव दीक्षित जी भी कहते थे कि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना होगा। गंगा जल को एक सिंपल जल ना समझे। मैंने गंगा जल के ऊपर वीडियो बनाई, जो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसी के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई, और लाखों लोगों ने देखी। पिछले 3 महीनों में मेरी 50 वीडियो मिलियंस में गई, 50 वीडियो मिलियंस में, 40 मिलियन 35 मिलियन एक मैंने वीडियो बनाई। तो मैंने एक वीडियो बनाई कि राशि और तामसी आहार जो बासी भोजन है, भगवत गीता में लिखा है कि जो बासी भोजन है वो तामसी भोजन है, वही बीमारी का कारण है। फिर भी लोग बासी भोजन लेते हैं और फिर बीमार होते हैं। तो मैंने वो वीडियो बनाई तो 35 मिलियन लोगों ने देखी, 350 लाख लोगों ने। तो क्या कहते हैं, तो ऐसा अगर हम अपने खान पान रहन सहन के लिए सचेत हो जाए तो किसी पैथी का हमें मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। पैथी की आवश्यकता नहीं है जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए तो हमारा जमीन जिंदा होना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को ध्यान करें। जैसे छत्रपति शिवाजी खाना खाते थे, लोग कहते हैं कि डॉक्टर कौन सा खाना खाए विटामिन बी मिल जाएगी, किस खाने में विटामिन डी मिलेगी। मेरी मम्मी ने तो कैल्शियम की टैबलेट नहीं खाई, हम तो 9 भाई बहन है। मेरी मम्मी, मैंने तो विटामिन डी ले ली कि विटामिन डी लेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। शक्ति तो आएगी, गेहूं में भी कैल्शियम है, गेहूं में विटामिन डी है, गेहूं में विटामिन बी 12 मिल सकती है, लेकिन उसको पचाने के लिए सिस्टम को अच्छा रखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सत्कर्म होने चाहिए। मैं 45 साल से, पिछले 45 सालों से मैं पहले मम्मी के साथ जाता था तो चीनी को आटा देना है, फिर कबूतर को बाजरा डालना है थोड़ा सा, चलो चलो एक केला रखो, गाय 15 केला देंगे, मछलियों को दाने डाल देंगे, गाय को भी देंगे। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि सबके साथ पीपल के उसको पानी देंगे तो उसमें उसका लाभ मिलेगा, 24 घंटे उसे निकलती है। ये तो अभी 200 सालों से बताया साइंस ने, तो हम तो कई हजार साल, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जो पीपल का पेड़ श्रीलंका गया था वो आज भी लगा हुआ है, इतने हजार वर्ष वो दीर्घायु बनाता है। पीपल वाला पेड़ हमें दीर्घायु बनाएगा, कोई हम बाहर कोई लगा लेंगे उससे हमें थोड़ी कि हम बुढ़ापा नहीं होगा, हमें हमारी झुर्रियाँ खत्म होगी। ये तो हम अगर प्रकृति के साथ चलेंगे, तुलसी का पौधा है ऐसा पौधा जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बढ़ के भी जो ओजोन है, ओजोन भी निकलती रहती है उसे। ये तो पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ मिलकर हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये तो पहले ही हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, उसका हम पालन करते हैं। बचपन से ही हमें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि हम सबके साथ मिलकर चलें। अगर हम अंडे में तो बड़ी रिसर्च होती है कि अंडे में विटामिन बी है, अंडे में प्रोटीन है, अंडे में ये है। गोमूत्र के ऊपर जब बात आती है कि आप प्रूफ करो, कि आप प्रूफ करो कि इसका क्या है, हमें तो लेना है, हमारी तो श्रद्धा विश्वास है, आप प्रूफ करके दिखाओ कि इसमें इसमें क्या होता है। ये तो आपका प्रूफ का काम आपका है। हमारी इतनी श्रद्धा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे ऊंची संस्कृति है। बड़ी सारी रिसर्च हो चुकी है, बड़ी रिसर्च होने वाली बाकी है। तो लेकिन भारतीय संस्कृति ने जो पिछले 2 सालों में पूरे विश्व को रास्ता दिखाया और पूरे विश्व का मनोबल बढ़ाया है कि कैसे हम महामारी में भी अपनी जड़ी बूटियों से गिलोय का काढ़ा पी के हम ठीक रह सकते हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक करके ठीक कर सकते हैं, इस जैसी कोई मिसाल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, आप लोग बढ़ चढ़ के आगे करें। आप लोग भी क्रांतिकारी हैं, जो जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो भाई राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं, वो भी बढ़ चढ़ के आगे आगे करें। और जो लोग गलत कमेंट्स करते हैं, जो लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं, इन चीज़ों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि शंख बजाने से क्या होता है, ध्वजा लगाने से क्या होता है, दही अनूठी चीज़ है, या फिर गाय के मूत्र से कुछ नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि उनको सही जवाब दें, सटीक जवाब दें और इस चीज़ के साथ आगे बढ़ें और तमाम काम करें। मैं तो चाहता हूँ हर प्रदेश में ऐसी ऐसी सभा हर प्रदेश में होनी चाहिए, समय निकलने पर महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, सभी पूरे देश में जागरूकता आएगी। और ये दिन दूर नहीं है जबकि भारत का जो संस्कृति है वो फिर से खुशबू उसकी पूरे विश्व में फैलेगी। बस मेरे साथ।